हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। मीठे में गाजर का हलवा हर किसी का फेवरेट होता है, लेकिन सबको लगता है कि गाजर का हलवा बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि बिना गाजर को घसे आप इतने बढ़िया टेक्सचर के गाजर का हलवा बना सकते हैं। कोई बोल ही नहीं सकता देख के कि इतने अच्छा टेक्सचर आया है बिना गाजर को घसे, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के। बहुत ही अच्छा टेक्सचर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। प्रेशर कुकर में आपको ये गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी मैं, जो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो वीडियो को पूरी देखना, चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ 2 किलो गाजर ले लिए मैंने। आप ऐसे पतली पतली गाजर ले, और जो सर्दियों में ये रेड वाली गाजर आती है जो बहुत ही ज़्यादा जूसी और मीठी होती है, ट्राई करें आप इसी में गाजर का हलवा बनाएं। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और गाजर ये पहले से मीठी होती है काफ़ी। तो इसको हम छील लेंगे अच्छे से, इसके आगे का पार्ट थोड़ा सा कट कर लेंगे और नीचे से भी थोड़ा सा कट कर लेंगे। यहाँ मैं सबसे इजी तरीका बता रही हूँ आपको गाजर कट करने का, बहुत ही जल्दी आप बहुत सारे गाजर कट कर लेंगे। देखिए बीच में से कट लगा लेंगे। अब नीचे का वाइट पार्ट ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो इसे ऐसे ही कट कर लेंगे और ऊपर के वाइट पार्ट को निकाल लेंगे। अगर हमने ऊपर के वाइट पार्ट को नहीं निकाला तो टेक्सचर उतना अच्छा नहीं आएगा, इसमें वाइट वाइट रेशे आएंगे। तो आप सारी गाजरों के ऊपर का जो हार्ड वाला वाइट पार्ट होता है उसको ज़रूर निकाल लें और ऐसे गाजर को कट कर लें। देखिए थोड़ी देर में हमने सारी गाजर को कट कर लिया। इसे अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में थोड़ी देर रखा था, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर लेंगे और जो गाजर कट करके रखी थी वो ऐड कर लेंगे। अब इसे चलाते हुए थोड़ी देर तक 2 से 3 मिनट भून लेंगे कि गाजर का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ी सी गाजर सॉफ्ट हो जाए। देखिए 2-3 मिनट हमने गाजर को भून लिया है। अब इसमें दूध ऐड कर देंगे। इस टाइम पे मैं इसमें 250 ग्राम दूध ऐड कर रही हूँ। इस टाइम पे आप थोड़ा ज़्यादा ही दूध ऐड करें। दूध बच गया बॉईल होने के बाद तो हम उसे आगे कुक कर लेंगे, पर अगर कम दूध ऐड किया तो गाजर नीचे से जल सकती है। देखिए 3 से 4 सीटी के बाद चेक कर लेते हैं, गाजर अच्छे से गल गई है, टच करने में ही टूट रही है, एकदम सॉफ्ट हो गई। इसमें देखिए अभी भी दूध बचा है, अगर हम कम दूध डालते तो गाजर जल भी सकती थी नीचे से। तो दूध इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ही डालें, मैंने 250 ग्राम डाला है अभी। अब प्रेशर कुकर से यहाँ गाजर को मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि प्रेशर कुकर में कैमरे से अच्छे से शूट नहीं होता है। आप चाहे तो आगे का प्रोसीजर प्रेशर कुकर में ही कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया कि आपको अच्छे से दिखाई दे, और कढ़ाई में भुनना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। यह इसमें मैंने 500 ग्राम दूध और ऐड किया है, टोटल मैंने इसमें 750 ग्राम दूध यूज़ किया था 2 किलो गाजर में। दूध डाल के हम इसे एक बॉईल आने देंगे। बॉईल आने के बाद आप यहाँ कोई भी ऐसे मैशर ले लें, इससे धीरे धीरे करके मैश कर लें। यहाँ आपको गाजर का पेस्ट नहीं बनाना है, इसका दानेदार टेक्सचर रहना चाहिए। आप देखिए ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर तक मैश करेंगे, 2 से 3 मिनट, गाजर इसे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। याद रखें कि गाजर का पेस्ट नहीं बनाना है आपको, इसलिए गाजर को बहुत थोड़ा सा मैश करना है। और आप अब इसे चलाते हुए लगातार कुक करते रहेंगे, या मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको कुक करते रहना है, और साइड में जो दूध लग रहा है उसको आपको निकालते रहना है अच्छे से, जब तक यहाँ पूरा दूध ड्राई नहीं हो जाता गाजर में। अच्छे से कुक करना है, जितना ज़्यादा देर गाजर दूध के साथ बॉईल होती है टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है, एकदम हलवाई जैसा। देखिए साइड से आप जो दूध जल रहा है उसको निकालते रहिए। यहाँ थोड़ी देर तक हमने भूना है, गाजर में जितना भी दूध हमने डाला था वो सारा दूध सूख चुका है, अच्छे से हमने दूध के साथ भून लिया है। देखिए भूनते भूनते गाजर का टेक्सचर कितना अच्छा आ गया, हमने थोड़ा सा मैश किया था उसके बाद अच्छे से भुना है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ गया है। इस टाइम पे थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे और यहाँ चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप जितनी गाजर ले रहे हैं उस हिसाब से डालें। यहाँ 2 किलो गाजर में मैंने 250 से 300 ग्राम के जितनी चीनी ऐड की है,
मैंने जो गाजर यूज़ की थी वो बहुत ही फ्रेश और जूसी गाजर थी, इसलिए वो पहले से बहुत ज़्यादा मीठी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा चीनी नहीं ऐड किया है। चीनी डालने के बाद भी थोड़ी देर तक भून लेंगे। चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा गीला होगा, पर आप भूनते रहेंगे तो इसका फिर से अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। इसमें यहाँ लगभग एक टेबलस्पून और देसी घी ऐड करके थोड़ी देर तक और भूनेंगे। यहाँ लगभग पूरे गाजर का हलवा बनाने में मैंने 5 से 6 टेबलस्पून देसी घी यूज़ किया था, वो छोटा वाला टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं। अब थोड़ी देर तक हमने भून लिया, इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आ गया है, साइड में घी आ गई है निकल के भूनते भूनते। इसमें मावा ऐड कर लेंगे, मावा ऐड करना ऑप्शनल है। ये ड्राई फ्रूट है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, आपको नहीं खाना है तो आप नहीं भी ऐड करें। इसमें 1 टेबलस्पून और देसी घी ऐड कर लेंगे और इसे चलाते हुए थोड़ी देर तक और भून लेंगे। यहाँ इतना इजी मैंने आपको गाजर के हलवे की रेसिपी बताई है कि कोई बिगनर है जिसने कभी भी नहीं बनाया उसको इजी तरीका चाहिए गाजर का हलवा बनाने का, पर टेस्ट बहुत अच्छा चाहिए तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। देखिए यहाँ 2 से 3 मिनट हम और बस लास्ट का कुक करना बाकी है। अच्छे से हमने कुक कर लिया है मावे के साथ थोड़ी देर तक और बन के रेडी ही हमारा गाजर का हलवा। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, दानेदार, बिना घसे हुए, बिना किसी मेहनत के हमने इतना अच्छा गाजर का हलवा बना के रेडी कर लिया, वो भी बहुत ही जल्दी। इसका टेस्ट एकदम हलवाई जैसे गाजर का हलवा होता है ना, जो शादियों में मिलता है, उसके जैसा ये बना था। और देखने में भी नहीं लग रहा है ये बिल्कुल कि हमने बिना गाजर को घसे हुए बनाया है। इसमें हम थोड़ा सा मावा ऐड कर देंगे, ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे और पूरे इंग्रेडिएंट की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं बनाते टाइम। वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी हिट कर लें ऐसी इजी इजी रेसिपी देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।